बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 के अंदर आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने आरएनए की टाइप्स पढ़ी थी और हमने देखा था कि डीएनए के अंदर प्रोटीन्स कोड किस तरह होती है। सही। सो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कह लें कि जो डीएनए की कोडिंग है वो आरएनए की शक्ल में कॉपी होती है, ठीक है। यानी कह सकते हैं ये आरएनए जो है वो डीएनए सीक्वेंस को कॉपी करता है और इसमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं। सही। यानी सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉपीड एज आरएनए, ठीक है। डीएनए का जो सीक्वेंस है वो आरएनए की कह लें कि शेप में या शक्ल में कॉपी होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सही। के एंजाइम्स के मतलब हेल्प से, मतलब इसमें जो यूज़ होगा बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज़ यूज़ होगा। अभी इसी में आपको बता देता हूँ, ठीक। जिसमें एंजाइम्स यूज़ होगा, मेन एंजाइम जो से हैं। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉपीड एज आरएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। सही। कि मतलब ये प्रोसेस होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो हमें एक तो टेम्पलेट डीएनए चाहिए। सही। टेम्पलेट डीएनए का मतलब जिसको कॉपी करना है, हु इज़ गोइंग टू बी कॉपीड। सही। गोइंग टू बी कॉपीड। सही। टेम्पलेट डीएनए और टेम्पलेट डीएनए के बाद हमें एंजाइम्स चाहिए। सही। एक तो एंजाइम है जिसे आप आरएनए पॉलीमरेज कहते हो, कहते हैं बल्कि आरएनए पॉलीमरेज। सही। इसमें वन टू एंड थ्री, तीन टाइप्स हैं, वन टू एंड थ्री। आरएनए पॉलीमरेज के बाद आपको आरएनटीपीज़ चाहिए, ठीक है। डीएनटीपीज़ नहीं चाहिए यहाँ पे। क्या चाहिए हमें? हमें आरएनटीपीज़। आरएनटीपीज़ मतलब नहीं, मतलब आरएटीपी, आरजीटीपी, एजीसीटीपी और यूटीपी। सही। मतलब जो आरएनए और डीएनए में एक फ़र्क ये भी है जो मैंने लास्ट टाइम मिस कर दिया था, कि बेसिकली जो डीएनए होता है इट कंटेन्स थायमिन। सही। मतलब नाइट्रोजन बेसिस में, और जबकि आरएनए जो है इट कंटेन्स यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, ठीक है। जो डीएनए तो उसमें थायमिन क्या लेकिन नाइट्रोजन बेस होता है, जबकि आरएनए के अंदर थायमिन की जगह पे यूरासिल होगा। यानी बाकी बेसिस सेम होती हैं, एडिनोसिन, गवानिन, साइटोसिन, सिर्फ थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाएगा। सही। सो इसमें हमें आरएनटीपीज़ चाहिए होंगी, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आरएनए के। सो हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होंगे आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद हमें एंजाइम्स चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए होंगे? एंजाइम्स लास्ट में। अच्छा, एंजाइम्स इसमें जो से आएंगे, एक तो डेट इज़ आरएनए पॉलीमरेज जिसकी हमने बात कर ली, ठीक है, शुरू में बात कर ली। इसके अलावा एंजाइम्स जो एसेसरी एंजाइम्स में आएंगे, उसमें एक तो हेलिकेज है जो कि डीएनए को अनवाइंड करेगा, ठीक है। यानी अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। सही। और डीएनए गायरेज चाहिए होगा हमें जो कि रीवाइंडिंग करेगा, रीवाइंडिंग ऑफ डीएनए। और इसके अंदर हमें और कौन से एंजाइम चाहिए होंगे? और डीएनए पॉलीमरेज़ ये जो हम पर बात कर चुके हैं, ठीक है। नहीं, डीएनए, सॉरी डीएनए नहीं, सॉरी सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज़, आरएनए पॉलीमरेज़, ठीक है, जो के कह लें कि मतलब आरएनए डेवलप करेगा या न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। नहीं, इट एड्स न्यूक्लियोटाइड्स। सही। सो आर ए टी पीज, आर जी टी पीज, आर सी टी पीज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब आर ए टी पी से क्या बनता है। आर ए टी पी स्टैंड फॉर
यानी एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, और राइबोज के साथ है, यानी राइबोज डीऑक्सीराइबोज नहीं है, मतलब राइबोज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। सिंपल से एटीपी भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने आर वैसे डाल दिया, सिर्फ एटीपी भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर राइबोज शुगर होती है, सही। सो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, सही, फॉस्फेट, और जबकि वो गुआनोस गुआनिन ट्राईफॉस्फेट, फिर साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट और यूरासिल ट्राईफॉस्फेट है, सही। और ये हमें क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे चाहिए होते हैं, और ये आरएनए पॉलीमरेज इनको ऐड करता जाता है, सही। अब हम देखते हैं कि बेसिकली सारा प्रोसेस वो किस तरह होता है, मतलब व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर पूरी ट्रांसक्रिप्शन बबल एक बनती है जो कि आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, ठीक है। उसकी हम एक डायग्राम देखते हैं नीचे। सो ये आपके सामने है। सो ये आरएनए पॉलीमरेज इतना बड़ा एंजाइम है, सही है, ये आप देख सकते हैं। सो उसमें ये पूरी जो बन रही है इसे आप ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है। और जो ये नया आरएनए बन रहा है डीएनए से, ठीक है, तो काफ़ी क्लियर डायग्राम है, आप इधर आराम से समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा कह लें कि ट्रिक है, ट्रिक ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने इस स्ट्रैंड को कोड करना है, मतलब ये अगर कोडिंग स्ट्रैंड है, नहीं हमने इसमें से जीन उठाना है, ठीक है, मतलब सामने वाले से हमने जीन उठाना है, तो हमें इसके सामने वाले का कॉपी करना पड़ेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड जो है ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इधर एडिनोसिन है, इधर थायमिन होगा, ठीक है, इधर जी है तो इधर सी होगा, इधर मतलब टी है तो इधर ए होगा। सो हमने अगर इसको कॉपी करना है ना, ए जी टी को कॉपी करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट स्ट्रैंड पे जाना पड़ेगा जो कि एंटी सेंस स्ट्रैंड कहलाएगा, ठीक है। यानी एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड ये है जो कि इंटैक्ट है, मतलब उसके ऊपर पॉलीमरेज काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका कोड बेसिकली उसे मिलेगा कहाँ से, उसके अपोजिट स्ट्रैंड से, ठीक है। तो मतलब फिर अपोजिट स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए बनाना शुरू करेगा, ठीक है। और ये भी 5' टू 3' चलता है, ठीक है, ये एट न्यूक्लियर फ्रॉम 5' टू 3', ठीक है, जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज था इस तरह ये भी 5' टू 3' बनेगा। अच्छा, तो फिर जिसकी बेसिकली कॉपी की जा रही है वो मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड उसे हम कहेंगे, मतलब, और उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और जबकि दूसरा जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, या फिर उसे सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, ठीक है। सो कोडिंग को आप सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, टेम्पलेट को आप एंटी सेंस भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। सो एक ये चीज़ यहाँ पे समझनी बहुत ज़रूरी थी। और उसके बाद जो इसका स्टार्टिंग है, मतलब स्टार्टिंग थोड़ी सी इसकी डिफरेंट होते हैं, लाइक जिस तरह डीएनए रेप्लिकेशन जो हमने पीछे पढ़ा था उसके अंदर हमें स्टार्टिंग के लिए एक पूरा प्राइमर चाहिए होता था, ठीक है, यानी प्राइमर रनवे के एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल जहाज़ ने लैंड होना तो रनवे रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे रनवे नहीं होता, बल्कि यहाँ पे प्रोमोटर सीक्वेंसेस होते हैं, सही, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर प्रोमोटर स्ट्रैंड्स, ठीक है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो कि कह लें कि मेन इंजीनियर है जिसने आके काम करना है, ठीक है, उससे प्रोमोटर चाहिए। प्रोमोटर से मुराद नहीं कह लें कि मतलब उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उसे कोई इनिशिएट करवाए, मतलब कोई उसमें इंटरेस्ट डेवलप करवाए, ताकि फिर वो जाके रेप्लिकेशन स्टार्ट करे, सही। सो इस तरह जो डीएनए है, जीन से पहले जो है ना वो थोड़ा सा प्रोमोटर सीक्वेंस होगा, और इसे बाद का आप प्रोमोटर स्ट्रैंड्स को या प्रोमोटर सीक्वेंस को, सॉरी सीक्वेंस नहीं, आपसे सॉरी स्ट्रैंड्स नहीं, इसको आप प्रोमोटर वो कहो सीक्वेंस, ठीक है, प्रोमोटर सीक्वेंस जो कि अक्सर टाटा बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स, सही। क्योंकि इसके अंदर जो सीक्वेंस होता है ना वो टी ए टी ए, ज़्यादातर इसमें थायमिन और एडिनोसिन जो से वो रिपीट हो रहे होते हैं,
ठीक है। सो इसे बात को टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। और जो प्रोमोटर सीक्वेंस है ना बैक्टीरियाज के अंदर या प्रोक्रियोट्स के अंदर, वो -35 सीक्वेंस है। सही है, मतलब 35 न्यूक्लियोटाइड्स का है, जो के जो यूक्रियोट्स है इसमें -75 और -25 का है। इन यूक्रियोट्स, ठीक है, यूक्रियोट्स के अंदर वो -75 -25 का जो सा वो टाटा बॉक्स का सीक्वेंस है। और ये प्रमोटर सीक्वेंस होता है, मतलब प्रमोटर सीक्वेंस होता है वो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। यानी कह लें कि ये थोड़ा सा ना, हम अगर देखें एक्सप्रेशन ऑफ जीन जोन सी है, यानी बेसिकली जीन एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को ना, कि मतलब पहले इस जीन की ट्रांसफर सॉरी राइबोसोमल आरएनए बनेगा, ये राइबोसोमल आरएनए फिर आगे प्रोटीन बनाएगा। सही, तो इस तरह जीन बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहा है। तो जीन एक्सप्रेशन हमेशा प्रोमोटर से स्टार्ट होती है, मतलब ये टाटा बॉक्स बेसिकली प्रोमोटर है, और प्रोमोटर को जो है वो सिग्नल आके कोई ना कोई देगा कि यार इस जीन की ना एक्सप्रेशन स्टार्ट करो। ठीक है, इस जीन की एक्सप्रेशन स्टार्ट करो, मतलब इस जीन्स के अंदर से प्रोटीन्स जो से हमें चाहिए, सेल्स को चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो मतलब सेल्स को एक प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोमोटर सीक्वेंस को एक्टिवेट करेगी, प्रोमोटर सीक्वेंस फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा। मतलब प्रोमोटर सीक्वेंस जो ही मतलब कह रहे ना प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल एक इंसुलिन चाहिए सेल को, ठीक है, सेल ने इंसुलिन बनानी है, तो फिर सेल अपने अंदर से कह लें कि प्रोमोटर जो डीएनए के साथ प्रोमोटर सीक्वेंस है उसको ऑन कर देगा। प्रोमोटर सीक्वेंस ऑन होगा तो फिर डीएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज आके काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग जोन सी है उसके लिए प्रमोटर सीक्वेंस चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक, ये मतलब प्रमोटर सीक्वेंस के बाद मतलब उसको जीन को कॉपी करना शुरू करेगा। ठीक, और इसकी जो एंडिंग होगी, ठीक है, एंडिंग भी इसकी थोड़ी स्पेशल होती है। स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग के बाद प्रोपिगेशन है। प्रोपिगेशन में तो ज़्यादा सिंपल सी बात है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो मतलब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड या ऐड बाय एंजाइम जो कि आरएनए पॉलीमरेज है। सही, ये प्रोपिगेशन होगी। अच्छा, इसकी एंडिंग देखते हैं। एंडिंग इसकी थोड़ी सी स्पेशल है कि इसकी मतलब एक तो जीसी पोर्शन बनता है, जीसी पोर्शन भी डिस्कस करते हैं हम। जीसी पोर्शन है और पॉलीयूटेल, पॉलीयूटेल दो चीज़ें हैं। जीसी पोर्शन से मुराद के जब मैसेंजर आरएनए बनता है ना, फॉर एग्जांपल यही मैसेंजर आरएनए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सो ये एक हेयर लूप पिन की शक्ल लेगा। सही, और सबसे एंड पे जो है ना इसके सारे यू यू आ रहे होंगे। सही, सो ये पोली यू टेल है, इट इज़ पोली यू टेल, और बीच में यहाँ पे जी सी, जी सी, जी यहाँ से सी। सही, सो इनकी आपस में जी सी हेयर पिन, लाइक हेयर पिन का आपको आइडिया है, मतलब जो बालों में भी लगाते हैं, मतलब इस तरह की होती है। सही, जो कि आप बालों में अक्सर लगाती हैं, औरतें लगाती हैं। ठीक है, तो खैर जी सी हेयर पिन बनाते हैं। यानी चले मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद वाजह करके लिख देता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं, मतलब जो आरएनए होगा वो इस तरह सीक्वेंस उसका होगा। सही, और इसके एंडिंग से पहले एक पोर्शन आता है जिसे हम जी सी पोर्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर गवानोसिन और साइटोसिन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, गवानिन और साइटोसिन जोन से हैं। ठीक है, और ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इन जी सी हेयर पिन के अंदर बेसिकली क्या हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सही, यानी अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन हो ना, ठीक है, अगर आरएनए बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो तो ये रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव से मुराद कि अनस्टेबल होता है, मतलब क्योंकि बेसिकली जो सारा ये रेप्लिकेशन सॉरी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है ये डीएनए के मतलब न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है, और जो मैसेंजर आरएनए है इसने न्यूक्लियस से कॉपी होने के बाद बाहर साइटोप्लाज्म तक आना है। सही, तो उसके लिए फिर जाहिर बात है कि ये मतलब इसकी कोई भी साइट फ्री नहीं होनी चाहिए कि नहीं, जहाँ पे रिएक्शन हो सके, तो इसलिए फिर इसकी
अपने अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आती है, मतलब जीसी पोर्शन होता है जो कि इसे हेयर पिन की शक्ल में ले जाता है, और पोली यू टेल होती है एंड पे, ठीक है। और शुरू में टाटा बास्क जो हमने पढ़ा था, प्रमोटर रीजन होगा, शुरू में टाटा बास्क एंड पे पोली यू टेल, और बीच में जीसी का पोर्शन होता है, और यहाँ पे सारी कोड पड़ा होता है, कोड यहाँ पे सेव होता है, सही, ताकि कोई और चीज़ इसमें ऐड ना हो, मतलब कोई इसमें अल्ट्रेशन ना करे, कोई इसमें म्यूटेशंस ना लेके आए, सही। तो इस तरह पोली यू टेल, टाटा बॉक्स का स्टार्ट, और जीसी की इसमें हेयर पिन बनती है, सही, और उस तरह ये एंड होता है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है। अच्छा, कैप किसकी है, कैप भी देख लो, कैप है टाटा बॉक्स की, सही। अच्छा, कैप और टेल जोन से है ना, ये बहुत से इंजाइम से इसे बचाते हैं, ठीक है, यानी सेव फ्रॉम न्यूक्लियेजेस, ठीक है, एंड फॉस्फेटेजेस, ठीक है, जो इंजाइम्स हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं बेसिकली डीएनए को, ठीक है। जबकि जो जीसी पोर्शन है, ये कह सकते हैं कि जी अवॉइड, यानी हेल्प्स टू अवॉइड अल्ट्रेशन इन कोड, ठीक है, कि कोड में कोई भी अल्ट्रेशन ना आ सके, म्यूटेशंस ना आ सके, उसको मतलब हेल्प करता है, मतलब जीसी पोर्शन जब होगा तो बीच में कोड सेव रहेगा, सही। और अगर कैप और हेड ना हो, सही, फिर क्या होगा कि जो न्यूक्लियेजेस हैं और फास्फोटेजेस हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक। होता क्या नॉर्मली कि जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये कहाँ पे बनेगा, डीएनए में, सही, मैं पूरी इधर मतलब एक्सप्रेशन ऑफ जीन किस तरह होती है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, एक छोटी सी हेडिंग देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स में क्या है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर जोन सा वो डबल मेम्ब्रेन होता है, इसका आइडिया होना चाहिए आपको। सो डबल मेम्ब्रेन, तो ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस है, सही, और ये इसके न्यूक्लियर पोर्स हैं, और बाहर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के गिर्द वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, सही है। इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उनके ऊपर ये जो डॉट डॉट छोटे छोटे से पड़े हुए हैं, दीज आर राइबोसोम्स, सही। सो होता क्या, न्यूक्लियस के अंदर ये यहाँ पे डीएनए है फॉर एग्जांपल, तो इसका मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए जो है वो बाहर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए हैव टू मूव आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, सेल के बाहर आना होता है उसने, और वहाँ पे जाके इसकी प्रोटीन बनेगी, और राइबोसोम्स इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस विच हैव डीएनए, जिसके पास डीएनए, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन के जरिए मैसेंजर आरएनए बन रहा है, और मैसेंजर आरएनए जो सा है वो बाहर राइबोसोम्स के पास आ रहा है, राइबोसोम्स उसकी प्रोटीन सेंसिस करेंगे, तो इस तरह फिर प्रोटीन्स जो सी हैं वो डीएनए से एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। सो इसमें हमने आज जो स्टेप पढ़ा है वो मतलब जो डीएनए है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, आरएनए में, ठीक है, जिसे हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा है। सो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा है, सेकेंड स्टेप के लिए हम अगले अगले लेक्चर्स में बात करेंगे, सही। सो एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो कि हमने सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के अंदर हमने इंक्लूड की थी चीज़ के, मतलब हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो फ्लो इंफॉर्मेशन फ्लो किस तरह हो रही थी, तो उसमें एक स्टेप आज हमने पढ़ लिया जो कि ट्रांसक्रिप्शन है, और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमने सारे रोल्स जो से थे वो पढ़ लिए, ठीक है, ये सारी ट्रांसक्रिप्शन जिसमें आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए अनवाइंड, डीएनए रीवाइंड, बीच में सेंस स्ट्रैंड है, एंटी सेंस स्ट्रैंड है, और एनटीपीज ऐड हो रही हैं, आरएनए पॉलीमरेज उसे ऐड करता जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन बबल सारी हमने देख ली। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें मिस कर गया कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज उसकी जो टाइप्स हैं, सॉरी अगेन डीएनए कह रहा हूँ, इट इज़ आरएनए पॉलीमरेज, मेरे जहन में बार बार डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है। आरएनए पॉलीमरेज में टाइप 1 जो सी है ये बनाती है सॉरी ट्रांसफर नहीं, ये राइबोसोमल आरएनए बनाती है, ठीक है, टाइप 1 मेक आरएनए, ठीक है। टाइप 2 जो सी है ये मैसेंजर आरएनए बनाती है,
ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, ह्यूमंस की बात करें हम। और टाइप थ्री जो सी है वो ये बनाएगी ट्रांसफर आरएनए, सही। जबकि आरएनए पर में जो प्रोक्रियार्स हैं उसके अंदर एक ही होती है, एक ही एंजाइम है, प्रोक्रियार्स में सिंगल एंजाइम है और वो सब कुछ बनाता है, मतलब उसने ट्रांसफर आरएनए भी बनाना है, राइबोसोमल आरएनए भी बनाना है और मैसेंजर आरएनए भी बनाना है। जबकि जो आरएनए प्रोड्यूसर ह्यूमंस के अंदर तीन टाइप्स के हैं जो कि डिफरेंट आरएनएस बना रहे हैं, सही। सो ये हो गया आज का लेक्चर हमारा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। आगे हम जेनेटिक